दिल्ली में फायरिंग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। एक बार फिर कल दिल्ली के द्वारका और मीराबाग इलाके में फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधियों ने कल एक के बाद एक दो जगहों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। दिल्ली द्वारका के छावला थाना क्षेत्र में एक वर्कशॉप में अज्ञात बदमाशों ने करीब 4 राउंड फायरिंग की। हालांकि फायरिंग की इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश में जुटी है। आरोपियों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। पश्चिमी दिल्ली के मीराबाग इलाके में राजमंदिर नाम के आउटलेट पर फायरिंग की दूसरी घटना हुई। इसमें करीब 8 से 9 राउंड गोलियां चलाई गई। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस को घटना की खबर दोपहर 2:35 पर मिली। इस घटना में भी कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जाता है कि रंगदारी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हाल ही में गैंगस्टर कपिल सागवान उर्फ नंदू ने राज के इस शॉप के मालिक को वसूली की धमकी दी थी। नंदू फिलहाल अमेरिका में रहकर गैंग को चला रहा है। दिल्ली में फायरिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 48 घंटे में 4 जगह गोलीबारी की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप है।